करीबन 10-11 मिनट का विलंब मुझे आपके बीच में उपस्थित होने में हुआ, परंतु पूरी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सभी 16 सर्कल्स के वरिष्ठ अधिकारियों की आज हमने यहां पर बैठक की। बैठक का मुख्य मुद्दा, जो कि आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, कि विद्युत सप्लाई को लेकर हमने पूरी समीक्षा की है और प्रयास सभी से फीडबैक भी लिया है कि विद्युत सप्लाई हमारी निरंतर रहे और मजबूती से हम उपभोक्ताओं को अच्छी सप्लाई उपलब्ध करा सकें। इसके लिए क्या क्या कदम उन्होंने उठाए हैं, इसके बारे में उनसे समीक्षा भी की और आने वाले समय में और क्या कदम हमें उठाने हैं जिससे कि हम अनइंटरप्टेड सप्लाई हमारे उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा सकें, इस पर भी गहनता से विचार विमर्श लिया। मैंने हिदायत भी दी सभी अधिकारियों को कि कोई भी अपनी जवाबदारी के प्रति लापरवाही न बरते, और आज की मीटिंग के माध्यम से हमने 33 और 11 केवी की लाइन्स के मेंटेनेंस का तो जो उनने ब्यौरा तैयार किया था वो लिया ही है, साथ साथ हमने ये निर्देश दिए हैं कि LT लाइन और DTR की भी मेंटेनेंस के लिए हम लोग पूरा प्लान तैयार करें सर्कल वाइज। फीडबैक के दौरान मुझे जानकारी हुई कि करीबन 3-4 साल से यहां पे LT लाइन और DTR के मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा समय नहीं दिया गया है, जिसके कारण अभी हमें काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जो आंधी तूफान आते हैं उसमें तत्काल बिजली में डिस्ट्रप्शन होता है, तो इसके लिए विधिवत प्लान तैयार करके, और ये भी मैंने निर्देश दिए कि मिनिमम मेंटेनेंस के नाम पे मिनिमम शटडाउन लिए जाएं। अभी तो खैर हमने मेंटेनेंस का काम अभी सस्पेंड कर रखा है, और जब तक, क्योंकि टेम्परेचर काफी बढ़ गया था, तो ईश्वर की कृपा से पिछले एक दिन में थोड़ी बारिश और टेम्परेचर यहाँ पे हमारे यहाँ कंट्रोल हुआ, नहीं तो 47 डिग्री पार लगभग टेम्परेचर हमारा पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर पहुंच रहा था। तो इसमें मुख्य रूप से हम मेंटेनेंस में मिनिमम समय शटडाउन करें, और अगर एक इलाके में मेंटेनेंस किया जाता है जिस इलाके में, तो उसमें टोटल मेंटेनेंस का काम उस समय सीमा के अंदर हो जाए, उस समय सीमा को पार ना किया जाए, ये भी हमने निर्देश दिए हैं, और डबल मेंटेनेंस नहीं की जाए। कई जगहों पर अगर ये कई एक दो जगह से शिकायत आई थी, बहुत ज्यादा तो नहीं पर एक और दो जगह से शिकायत आई थी कि दो दो बार मेंटेनेंस के लिए लाइट बंद की गई, तो इस कि मैं स्पष्ट निर्देश दिया कि एक ही बार में सारा काम प्लान किया जाए, उसी के बाद शटडाउन दिया जाए, अनप्लान्ड रूप से कहीं पे शटडाउन ना किया जाए। दूसरा, ट्रिपिंग के बारे में गहनता से हमने चर्चा की है और ये निर्देश दिए हैं कि इंसुलेटर फॉल्ट का रिकॉर्ड, इंसुलेटर जलने से अगर कोई फॉल्ट क्रिएट होता है या ट्रिपिंग आती है, हमारे केबल के खराब होने से कोई ट्रिपिंग आती है, वायर टूटने से, इसका पूरा रिकॉर्ड हर सर्कल लेवल पर रखा जाए। साथ साथ ही सभी डीज को हमने ये हिदायत दी है कि वो अपने एरिया में घूमें और रेगुलरली इंस्पेक्शंस करें, ताकि अगर उनको कहीं पे ऐसी स्थिति मिलती है कि कोई DTR में कोई प्रॉब्लम आ सकती है या ट्रिपिंग आ सकती है या लाइन में कहीं पे फॉल्ट क्रिएट हो सकता है, तो वो फॉल्ट हो उसके पहले ही उसको सुधार लिया जाए और सप्लाई निरंतर रखी जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूचना का भी कुछ अभाव के कारण सही बात सामने नहीं आ पाई, तो हमने हर JE लेवल पे मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में एक WhatsApp ग्रुप तैयार करने के लिए कहा है, जिसमें सूचना के लिए उस WhatsApp ग्रुप का उपयोग हो, और उसके माध्यम से अगर कोई ट्रिपिंग आती है और किस कारण से ट्रिपिंग आई है या किसी कारण से शटडाउन है या क्या बिजली जाने का जो भी कोई कारण हो, वो जितने भी पैरामीटर्स में जो भी कारण हो, उससे उपभोक्ताओं को, पत्रकार बंधुओं को और जनप्रतिनिधियों को सूचना मिल जाए, ताकि अफवाह नहीं बने। क्योंकि अभी देखने में आया है कई स्थानों पर कि खंभा गिरने से अगर लाइट गई तो आगे अघोषित कटौती, इंसुलेटर जलने से लाइट गई तो वो भी आगे अघोषित कटौती, तार टूटने से लाइट गई तो वो भी अघोषित कटौती, ये इस प्रकार से कुछ एक स्थिति निर्मित हुई है और ये शायद लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से निर्मित हुई है। तो इस चीज को हम सही करने के लिए ये व्हाट्सएप ग्रुप चालू कर रहे हैं। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि अघोषित कटौती के स्तर पर हम कोई भी कटौती मध्य प्रदेश में नहीं कर रहे हैं, और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भी कोई अघोषित कटौती नहीं कर रहा है। अघोषित कटौती होती है जब हम एक शेड्यूल बना दें कि इतने बजे से इतने बजे तक इन इन एरियाज में लाइट बंद रहेगी, और वो शेड्यूल
बन के और दिया जाए कि भाई ये एरिया रेगुलरली मंडे टू फ्राइडे ये बंद रहेंगे, तब अघोषित कटौती की स्थिति बनती है। और रेगुलर अघोषित कटौती की स्थिति तब बनती है जब हमारी जनरेशन कम हो, हमारा उत्पादन कम हो और हमारी मांग ज्यादा हो। अभी मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है, हमारी मांग को पूरा करने लायक उत्पादन हमारा है। लगातार हमने पिछले महीनों का भी अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, 6 महीनों का रिकॉर्ड हमारे पास में है, और 6 महीनों का हम अगर रिकॉर्ड देखें तो करीबन 10 से लेकर 12 14% तक मार्च के महीने में पिछले साल की तुलना में 14% ज्यादा विद्युत सप्लाई हमने मध्य प्रदेश में की है। और अन्य महीनों में हम माने तो 10% से लेकर 14% के बीच में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में हमने सप्लाई की है। और जून का कल तक, आज तक का डेटा मेरे पास है, 13 तारीख तक का, कल तक का, तो इसमें लगभग 13 तारीख को, 13 तारीख के दिन 30% ज्यादा सप्लाई पिछले साल से मध्य प्रदेश में हुई है। 30% एक्स्ट्रा सप्लाई अगर 13 जून 2018 को कंपेयर किया जाए 13 जून 2019 से, तो 30% ज्यादा हुई है। और सबसे ज्यादा 11 जून को करीब 38 और 10 जून को 46% ज्यादा हमने सप्लाई की है। तो ये स्पष्ट, 11 जून 38, 10 जून, 10 जून 46% तो ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मध्य प्रदेश में विद्युत की आपूर्ति पूरी हो रही है। तो ये बात जो बार बार आती है निकल के, कि हमारे ऊपर विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि अघोषित कटौती मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, तो यह मैं ऑफिशियली डिनाई करता हूं कि किसी प्रकार की ना तो अघोषित कटौती हो रही है। और ये आपके बीच में ये हम आपको ये उपलब्ध भी करा सकते हैं आंकड़े, क्योंकि कुछ मैंने पढ़ के सुना है, कुछ मैंने पढ़ के नहीं सुना है, तो ये हम आंकड़े भी आपको उपलब्ध करा देंगे कि करीबन 46% ज्यादा सप्लाई हमने कई दिनों में करी है। तो इस प्रकार से जो अफवाह बनाई जा रही है मध्य प्रदेश में कि अघोषित विद्युत कटौती होती है, इसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। साथ साथ ही